Hi everyone, welcome to Civil Engineering Tutorials. इस वीडियो में मैं बिल्डिंग प्लान सैंक्शन और परमिशन प्रोसीडियर के बारे में डिस्कस करूंगी। मतलब हमारे न्यू बिल्डिंग और हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन कैसे मिल सकती है, तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि सबमिशन ड्राइंग कैसे प्रिपेयर करें और सबमिशन ड्राइंग की रिक्वायरमेंट और पर्पज क्या है, और ये सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज गो थ्रू द लिंक वन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज फॉलो मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ अपडेट्स। ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद ऑल न्यू वीडियोज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो जाना चाहिए, यानी कि आपके पास अपने घर घर या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के परमिशन होना चाहिए, नहीं तो ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाएगा और कोई भी बिल्डिंग जो बिना अप्रूवल के बनते हैं वो फाइन और यहाँ तक कि प्रोसिक्यूशन के रूप में पेनाल्टी को इनवाइट करती है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परमिशन पाने की डिटेल प्रोसीड्योर क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है अपने ड्राइंग प्रिपेयर करना है और डिटेल प्लॉट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए रेडी होना चाहिए। परमिशन पाने के लिए आपको पहले बिल्डिंग प्लान प्रिपेयर करना होगा और इसे उस एरिया का जो लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट बॉडी है उनके पास सबमिट करना होगा प्लान को सैंक्शन और अप्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि डिटेल ड्राइंग और डिटेल प्लॉट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। अब सेकंड स्टेप है परमिशन पाने के लिए ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। इसमें आपको सारे डिटेल डॉक्यूमेंट के साथ बिल्डिंग प्लान को उस एरिया का जो लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट बॉडी है उनके पास सबमिट करना होगा। अब थर्ड स्टेप है स्क्रूटिनी पेमेंट। अब ये स्क्रूटिनी पेमेंट क्या है? तो ये एक अमाउंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइल प्रोसेस करने के लिए फिक्स की जाती है और ये अमाउंट स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो मैं समझाती हूँ कि गवर्नमेंट क्यों ये अमाउंट चार्ज करती है। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट ड्रॉइंग के साथ गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है, तो आपके फाइल अब सबमिट हो गई है। अब गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, उस एरिया का जो लोकल अथॉरिटी है वो आपके बिल्डिंग प्लान को चेक करेगी और आपके फाइल को प्रोसेस करेगी। तो गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपके प्लान करेक्ट है कि नहीं, वो चेक करेगी कि आपके प्लान करेक्ट है कि नहीं, आपके जो प्लान है वो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स जो DCR है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है कि नहीं। वो पहले चेक करेगी कि प्लान करेक्ट है कि नहीं, प्लान DCR के अनुसार बनाया गया है कि नहीं, वास्तु और सेफ्टी के अनुसार प्लान करेक्ट है कि नहीं वो चेक करेगी। अब बिल्डिंग प्लान प्लान सिटी के अनुसार प्रिपेयर की गई है या नहीं ये भी चेक करेगी। वो ये चेक करेगी कि आपके घर बनने के कारण किसी और को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। प्लान सैंक्शन करने से पहले वो सभी पैरामीटर्स के हिसाब से चेक करेगी कि ये प्लान सही है या नहीं। इसलिए आपका काम स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट कुछ अमाउंट चार्ज करेगी और उस अमाउंट को स्क्रूटनी पेमेंट के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आपने स्क्रूटनी पेमेंट दे दिए तो वे आपकी ड्राइंग वेरीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। वे सभी पैरामीटर के अनुसार आपके प्लान को चेक करेंगे और नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए फाइल को प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस ऑफिस में जो क्लरिकल लेवल पे होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपके ड्राइंग या बिल्डिंग प्लान को उस ऑफिस के इंजीनियर के पास ट्रांसफर करेंगे। अभी यह है फोर्थ प्रोसेस। अभी फिफ्थ प्रोसेस है
फिफ्थ प्रोसेस है, इंजीनियर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग दोनों को वेरीफाई करेंगे। पहले इंजीनियर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और फिर ड्राइंग को वेरीफाई करेंगे। वो आपके प्लान, एलिवेशन सेक्शन, साइट प्लान, स्ट्रक्चरल पार्ट सब कुछ बारीकी से चेक करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ड्राइंग करेक्ट है तो ठीक है, पर अगर उन्हें लगता है और वो बोलते हैं कि इस ड्राइंग में कुछ करेक्शन चाहिए, तो वो आपको ड्राइंग को रिटर्न कर देंगे और आपको ड्राइंग को रेक्टिफाई करना होगा और इसे सैंक्शन के लिए रीसबमिट करना होगा। अगर आपको ड्राइंग में उन्हें 3 बार से ज़्यादा मिस्टेक मिले, अगर आपके ड्राइंग में उन्हें 3 बार से ज़्यादा मिस्टेक मिले, मतलब अगर वो बोले कि ये करेक्शन ड्राइंग में चाहिए और आपको ड्राइंग रिटर्न कर दिया और आपने उसको रेक्टिफाई करके रिसबमिट कर दिए, पर अगर फिर से सेम मिस्टेक उन्हें दोबारा मिलता है और तो वो फिर से ड्राइंग को रिटर्न कर देंगे। और इसी तरह ये प्रोसेस अगर 3 बार से ज़्यादा हुआ तो आपके कंप्लीट फाइल प्रोसेस जो है उसको कैंसिल कर देंगे। तो अगर आपके सबमिशन फाइल प्रोसेस कैंसिल हो गया तो आपको आपके ड्राइंग और डॉक्यूमेंट को दोबारा स्क्रूटनी पेमेंट देके रीसबमिट करना होगा। समझ गए? मतलब आपको स्क्रूटनी पेमेंट दोबारा फिर से देना होगा। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करें कि ड्राइंग में कोई मिस्टेक ना हो। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप अपना ड्राइंग किसी रिनाउंड इंजीनियर और आर्किटेक्ट से प्रिपेयर करवाएं। जब इंजीनियर को लगेगा कि ड्राइंग करेक्ट है, तब वे साइट विजिट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस है साइट विजिट या फिर साइट वेरिफिकेशन। जब उन्हें लगेगा कि आपके प्लान बिल्कुल सही है, तो इंजीनियर की एक टीम आपके साइट जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ विजिट करेगी। वे प्लॉट को फिजिकली वेरीफाई करेंगे। वे चेक करेंगे कि आपकी ड्राइंग की हिसाब से आपके प्लॉट साइज ठीक है कि नहीं। वो चेक करेंगे कि आपके प्लान के अनुसार उस प्लॉट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो पाएगा कि नहीं। वे आपके प्लॉट में सब कुछ प्रॉपरली चेक करेंगे। अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राइंग के साथ उनके हायर अथॉरिटी के पास सबमिट कर देंगे। तो ये था 6th प्रोसेस। अभी 7th प्रोसेस है। अब वो हायर अथॉरिटी जो है वो फिर से आपके ड्राइंग को रीचेक करेंगे अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स DCR। अगर वो सब कुछ ठीक पाते हैं तो वो आपके परमिशन को सैंक्शन कर देंगे। तो ये 7th प्रोसेस है। 7th प्रोसेस पे वो आपके परमिशन को सैंक्शन कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको कुछ चार्जेस देना होगा जिसे डेवलपमेंट चार्जेस बोलते हैं, पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। तो ये लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट चार्जेस सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको आपका फाइनल ड्राइंग के साथ सैंक्शन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो एक बार आपको सैंक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपके घर का कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग प्लान को सैंक्शन करने के लिए आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। तो ये डिटेल बिल्डिंग प्लान सैंक्शन का अप्रूवल प्रोसीड्यो है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।